ज़्यादा एक्साइटेड हैं और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो गया था तो मज़ा आता है देखकर, क्योंकि इतना सोचा नहीं था कि इतने सारे लोग आएंगे और बहुत ज़्यादा लोग थे। और हम लोग ने ट्राई किया कि हमारा पूरा क्रू को बाहर निकालें और जो भी लोग फिल्म देखने हैं उनको फिल्म देखने दें, तो पूरा क्रू बाहर खड़ा है और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं उनके रिएक्शन देखने के लिए। मतलब वो लोग, उनको क्या फील होता है फिल्म देखकर? वो एग्ज़ाम दे के वेट होता है ना आपको कि रिजल्ट क्या आएगा, तो वैसे ही हमने एग्ज़ाम दे दिया है। अब टीचर जो ऑडियंस है वो सारा जांच रहे हैं और फिर हमें पता चलेगा कि एक घंटे में कि उनको कैसी लगी। फिल्म की बहुत सिंपल सी कहानी है, एक स्कूल टीचर है और एक स्टूडेंट है, उन दोनों की लव स्टोरी की कहानी है। और हमने इसमें कोई भी एक ऐसी चीज़ दिखाने की कोशिश नहीं की है जिससे कि कोई कंट्रोवर्सी बने, या हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं था। हमने एक फिल्म, आप जब फिल्म देखेंगे तो आप बहुत इजीली फील करेंगे कि ये नाम क्यों रखा गया है हमको। लोगों ने हाथ से पोस्टर देखा है श्वेता और नवाज, वो पोस्टर में है और नवाज ने श्वेता को सजा दी है, ऐसा कोई पोस्टर अभी लीक हुआ है। हाँ जी, हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे, रिएक्शन मिला था जब पोस्टर लीक हुआ? देखिए, बहुत मतलब मेरे को बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि फिल्म किस बारे में क्या है, और बहुत सिंपल सी कहानी है और लोगों को पसंद भी आ रहा है पोस्टर। और हम लोग को भी नहीं पता था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि छोटी फिल्म है और नवाज भाई ने और श्वेता ने इस फिल्म में बहुत अच्छा काम किया। और अशोक शर्मा की डेब्यू फिल्म है, सो आई थिंक दैट इज़ वाई मतलब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में पहला प्रीमियर हो गया है, LA जा चुकी है, न्यूयॉर्क जा चुकी है, लंदन जा चुकी है, हमें आई थिंक अभी तक 12-13 फेस्टिवल्स जा चुके हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, और इंडिया में पहली बार प्रीमियर करी है, तो इसलिए आज का दिन बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल हम सबके लिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिर आपके किरदार की बात करें, किस तरह का किरदार होगा? पोस्टर ऐसा तो दिख रहा है कि जी स्टूडेंट के किरदार में जी आपसे जाना चाहिए, किस तरह किरदार? मैं संध्या का किरदार निभा रही हूँ, जो कि 15 साल की लड़की है, और उसको अपने टीचर से प्यार हो जाता है। प्यार क्या है वो समझना 15 साल की एज में थोड़ा मुश्किल होता है, तो बस इन कैरेक्टर्स की जर्नी है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बस इनकी सिंपल सी प्यारी सी कहानी।